तो गाइस आज मेरे विलेज पे कब्जा कर दिया यहां पे आयरन गोलम्स ने और पूरे विलेज को ट्रैप कर दिया बेडरॉक वॉल के अंदर। अबे वो विलेजर कहां भाग के जाएगा, तुझे तो मैं जेल के अंदर बंद करूंगा। और गाइस सूत्रों से मुझे पता चला कि आयरन गोलम्स ने हमारे विलेज के नीचे लगा दिया बहुत ही बड़ा सा टीएनटी जो अगले 30 मिनट में फट जाएगा और विलेजर्स के साथ साथ मेरे पूरे विलेज को उड़ा देगा। अबे आदि जल्दी बचा हमें वरना बम से उड़ जाएंगे। तो इसलिए गाइस मेरा टारगेट यहां पे इस बेडरॉक वॉल को पार करना जिससे मैं सारे विलेजर्स को बचा दूंगा। लेकिन गाइस इतना आसान भी नहीं है, ये बेडरॉक की वॉल यहां पे ट्रिपल लेयर की है, इसलिए मेरे पास आईडिया है कि क्यों ना मैं जमीन के नीचे से होते हुए जाता हूं। और यहां नीचे से तो बेडरॉक होगा ही नहीं, इसको तो मैं इजीली पार कर दूंगा। वेट ए सेकंड, नीचे से भी लगा बेडरॉक? नहीं नहीं भाई, तब तो मैं यहां पे खुद के जा नहीं सकता अंदर, कहना पड़ेगा यार आयरन गोलम्स तो बड़े चालाक निकले यहां पे। अरे लेकिन कोई ना गाइस, यहां पे नीचे से तो कवर होगा बेडरॉक, ऊपर से थोड़ी ना, ऊपर देखो खाली जगह है, तो मैं सिंपली यहां पे बिल्ड करके जाता हूं। यार आयरन गोलम्स तो बड़े बेवकूफ निकले। ऑलराइट गाइस यहां पर मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया एंड लेट्स गो। वेट अबे नहीं, ओ शिट ओ शिट ओ शिट, ओ भाई सब बच गया यहाँ पर मैं। भाई साहब ये क्या था, यहाँ पे ऊपर स्नो गोलम्स के आर्मी बैठी हुई है। अच्छा तो यहाँ पर आयरन गोलम्स से पूरी प्लानिंग कर रखी है, स्नो गोलम्स बैठा रखे ऊपर जिससे मेरे को ऊपर आने नहीं देंगे। हा हा हा, अबे पागल आदि, हमने सारी जगह से यहाँ पे सिक्योरिटी कर रखी है, तेरा अंदर आना यहाँ पे इम्पॉसिबल है। अबे आदि बचा हमें, कहाँ पे है तू? ये टीएनटी बहुत ही जल्दी फटने वाला, हमको जल्दी से बचा। अबे यार गाइस ऐसे तो मैं ऊपर बिल्ड करके जा ही नहीं सकता। लेकिन वेट नहीं गाइस, मेरे पास एक और तरीका मस्त वाला। इन नूबड़ों को लगता है कि मुझे स्नो गोलम्स से रोक देंगे, लेकिन देखो मेरे पास क्या चीज है। ये देखो यहाँ पे एक जेट पैक, और इससे मैं आसमान में उड़ सकता हूँ। भाई साहब अब सीधा यहाँ पे उड़ के जाऊंगा भाई, कोई मुझे रोक ही नहीं पाएगा। अबे वो स्नो गोलम्स, अब करके दिखाओ मेरा कुछ यहाँ पे। वेट ए सेकंड, अबे इस आयरन गोलम की आज की तैसी मेरे सामने डांस कर रहा है। एंड वेट, इसके हाथ में तो बंदूक है। अबे नहीं नहीं नहीं, ओ शिट भाई साहब, तो मेरे ऊपर बंदूक मार रहा है। अबे यार इनके पास तो गन्स भी यहाँ पे, और साथ ही साथ स्नो गोलम भी बैठे हुए हैं। अबे जा भाई, तेरी एक गोली लग रही मुझे। वो भाई साहब नहीं नहीं, भागो भागो भागो। ओके शायद इतनी दूर से मुझे यहाँ पे मार नहीं पाएगा, लेकिन है क्या भाई वहाँ पे देखो आयरन गोलम है। नहीं इतनी दूर से मार दे मुझे यहाँ पे। अबे यार इन्होंने तो बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी कर रखी ऊपर पे, ना ही यहाँ पर मैं नीचे से जा सकता हूँ ना ही ऊपर से। एंड पता नहीं आयरन गोलम्स हमारे विलेजर्स के साथ अंदर क्या कर रहे होंगे। अबे वो विलेजर के बच्चे, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में भी मत सोचना, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तेरे पूरे केस को ट्रैप करूंगा अब बेडरॉक से। हाँ अब तू इधर से एस्केप कर ही नहीं पाएगा। ओ गाइस वेट, मेरे पास एक आईडिया है, क्यों ना यहाँ पर मैं एक आयरन गोलम बनके मेन गेट वाले रास्ते से जाऊँ। लेकिन गाइस इतना आसान भी नहीं है, सामने देखो कितने सारे गार्ड्स हैं वहाँ खड़े रखे, लेकिन जैसे कोई गार्ड अंदर जाता तो यहाँ पे गेट ऑटोमेटिकली खुल जाता और बंद भी हो जाता है। इसलिए अब मैं बनूंगा एक आयरन गोलम और अंदर जाने का ट्राई करूंगा। तो चलो फिर यहाँ पे 3 2 1 एंड देखो गाइस यहाँ पर बन चुका एक आयरन गोलम। और हाँ भाई मुझे पता है मैं एक चोर बाजार वाला आयरन गोलम लग रहा हूँ, लेकिन कोई ना मेरी खास इतना कोई ध्यान देगा भी नहीं। तो चलो फिर यहाँ पे चलते और देखते हैं हमारे ट्रिक यहाँ पे काम करती है। वैसे हो सकता है आयरन गोलम हमें पहचान ना पाए। ओके ओके भाई आराम से, आप इनको शक नहीं होना चाहिए। एंड ओके मेरी खास इनको यहाँ पे शक नहीं हो रहा, लेट्स गो लेट्स गो। और यहाँ पे गेट खुल जाओ, खुल गया लेट्स गो गाइस। यहाँ पर मैं अंदर आ चुका हूँ और भाई साहब कितने सारे गार्ड्स हैं यहाँ पे, और डोर तो पीछे बंद भी हो गया। भाई वो देखो सामने विलेजर्स ट्रैप हो रखे हैं, भाई मुझे अब उनको किसी भी तरह बचाना होगा। एक सेकंड भाई, ये कुत्ता मेरे पास क्यों आ रहा? हेलो कुत्ते भाई, क्या वो? ओ भाई ये कुत्ता मुझे मार रहा है। अबे नहीं शायद इसको मेरे पे शक हो गया। नहीं इनको पता लगा, ऐसे भागो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, अबे आदि अब तू गया अंदर, कैसे आया तू? अरे बाप रे, आरे गोलम तो मेरे पीछे पड़ गया। अब बेटा तू गया यहाँ पे, ये ले। नहीं नहीं, ओ शिट ओ शिट भाई, ओ भाई 3 हार्ट से 3 हार्ट, भाई मैं इसे नहीं लड़ सकता, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बेटा अगली बार अगर तू अंदर देखा तो तेरा फ्राई चिकन बना दूंगा। अबे यार मैं इस विलेजर को बचाऊंगा कैसे, इतने ज्यादा तो स्ट्रांग है ये बंदे। यहाँ पर जमीन के नीचे से ऊपर से और गेट से जाना तो इम्पॉसिबल है, और से 25 मिनट बचा उस टीएनटी को फटने में, तो इसलिए मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा, अब मुझे जाना होगा नेदर से। पर अगर मैं पोर्टल का यूज करके नेदर में जाता हूँ और वहाँ से वापस आता हूँ तो मेरे ख्याल से मैं विलेज के पोर्टल से अंदर घुस जाऊंगा, और जितना मुझे याद है मैंने यहाँ पर एक पोर्टल बनाया तो था। ओके ओके ये रहा यहाँ पे, अब इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर वापस आएंगे विलेज के पोर्टल से। एंड ओके गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ नेदर के अंदर, एंड मेरे ख्याल से विलेज का पोर्टल ही आसपास ही होगा कहीं, वैसे होगा तो ये आसपास। वेट वो क्या है? अरे वो रहा विलेज का पोर्टल। शिट यार पर लावा के उस पार है, मुझे यहाँ पर एक ब्रिज बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी यहाँ पे लकड़ी तोड़ते और एक ब्रिज बना के वहाँ पे जाते हैं। वो विलेजर पक्का चिल्ला रहा होगा कि आदि तू कहाँ पे है। तो चलो गाइस मेरे पास अब थोड़ा हुड तो आ गई, एंड इससे मेरे पास बहुत ब्लॉक्स आ गए, अब इससे बनाऊंगा मैं एक ब्रिज। आराम से जाना पड़ेगा भाई, नीचे लावा भी है, जल्दी बिल्ड कर आदि। वो आयरन गोलम शायद से हमारे ब्रिजेस को बहुत टॉर्चर कर रहे होंगे। बस यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही गया, साइड में है वो। ओके चलो भाई मेरे ख्याल से इतना बहुत है, एंड लेट्स गो, क्योंकि बच गया बच गया, लेट्स गो गाइस। यहाँ पर मैं आ चुका और हमारा पोर्टल यहाँ पे, एक सेकंड, ये पोर्टल क्या हो गया यहाँ पे? इसके आसपास एक बेडरॉक का वॉल लगा हुआ। एंड वेट अ मिनट, अंदर आयरन गोलम से। अबे यार पक्का इन्होंने ही करा होगा। और आदि क्या हालचाल तेरी, यहाँ बैठो तू? नहीं मैं नहीं आ रहा। अबे भाई साहब ये तो लावा फेंक रहा मेरे मुंह पे, इसके ऐसे कहते हैं जब तक यहाँ पर आता मैं ऊपर चढ़ भी जाऊंगा। ओके चलो मैं पहुंच गया, अबे चल निकल। नहीं नहीं नहीं, ओ भाई मर गया था यहाँ पे मैं। नहीं यार इसके अंदर जाना तो इम्पॉसिबल है, अंदर भी आयरन गोलम्स बाहर भी आयरन गोलम। अबे कहाँ बच के जाएगा, इधर अबे। भाई मैं जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछे मत कर, इसके आस पास पूरा लावा फैला दूंगा बेटा, तो यहाँ पे आ ही नहीं पाएगा। अबे यार भाई इसने लावा भी कर दिया, अब मैं अंदर कैसे जाऊंगा यार? ओवरवर्ल्ड से भी ज्यादा हार्ड तो नेदर में जाना है। गाइस मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ वर्क करेगा। अरे आदि तू क्या कर रहा है, कहाँ पे? 20 मिनट बचा सिर्फ टीएनटी फटने में, जल्दी आ हमें बचा।
का? लगता गाइस अब मुझे अपना ब्रह्मास्त्र यूज करना ही पड़ेगा जो कि सीधा बेडरॉक को फोड़ के अंदर घुसना। लेकिन बेडरॉक को फोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए बेडरॉक टीएनटी जिससे मैं बेडरॉक को फोड़ सकता हूँ। और गाइस मुझे बेडरॉक टीएनटी सिर्फ एक जगह मिल सकता है जो कि पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार मुर्गा मोबाइल के पास। जी हाँ भाई, यहाँ पे पहाड़ के ऊपर मेरा दोस्त रहता है मुर्गा मोबाइल नाम से, जिसके पास पक्को बेडरॉक टीएनटी होगा और उसके एक मुर्गे की दुकान है। तो चलो उसके पास जाते हैं और देखते क्या वो हमको टीएनटी देगा क्या। ओके भाई, मैं अपने दोस्त के पास ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। शायद से मुर्गा मोबाइल पहाड़ के पीछे रहता है। तो ओके चलो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ। एंड वो देखो भाई, वो रहो मेरे दोस्त मुर्गा मोबाइल। भाई इधर आ यार, मेरी मदद कर। अबे एक सेकंड भाई, यहाँ पर कर क्या रहा है? अबे इसकी तो सो रहा है, उठ बेटे तेरी तो, उठ यहाँ पे। बोल क्या हुआ? अबे भाई प्लीज मेरी हेल्प कर दे, मुझे बस बेडरॉक टीएनटी चाहिए तेरे से। बेडरॉक टीएनटी क्यों चाहिए तुझे? अरे भाई चाहिए यार, मुझे बेडरॉक की वॉल को फोड़ना है, प्लीज मुझे दे दे यार। फ्री में तो मैं तुझे कुछ देने वाला हूँ, तुझे पता है कि मेरा नाम है मुर्गा मोबाइल। अरे भाई पर दे यार प्लीज, क्या करना पड़ेगा उसके बदले? तुझे अभी काम करना पड़ेगा। देख मैं इधर सो रहा था तो मेरे मुर्गिया खेत से बाहर निकल के आ गई है, तो तू उनको पकड़ के ला और खेत में रख दे, तब देखता हूँ ये ले। अबे यार मजदूरी करनी पड़ेगी इसके लिए भाई, यहाँ पे मुर्गिया पकड़ के लानी होगी। हाँ तू जल्दी लेके आ, जब तक मैं थोड़ा और झक्की मार देता हूँ, ठीक है? और ऊपर से सो गया यहाँ पे। अबे यार अब करना पड़ेगा इस काम को, क्या मजदूरी जैसे काम करने पड़ रहे इस बेडरॉक टीएनटी के बदले। लेकिन नहीं नहीं मुझे यहाँ पे जल्दी करना पड़ेगा, सिर्फ 15 मिनट बाद वो टीएनटी फट जाएगा तो मुझे जल्दी करना होगा। चल बेटा मुर्गे इधर पे आ तू, एंड ये रहा पे आखिरी मुर्गा, एंड लेट्स गो। ओए चल बे मुर्गा मोबाइल, उठ यहाँ पे, तेरे सारे मुर्गे मैं पकड़ के ला गया। इतनी जल्दी लेके आ गया? ये देख ये है बेडरॉक टीएनटी, तेरा एक से नहीं होगा तो ये 2-3 रख ले, ठीक है? अरे थैंक यू भाई, कितना अच्छा है तू, चल ठीक है टाटा। देखना भाई क्या आज से इंसान है, छी भाई वापस से सो गया। अरे छोड़ो से, हमें तो बेडरॉक फोड़ने जाना है और मुझे पे आराम से जाना पड़ेगा, किसी को दिखने नहीं चाहिए कि मैं बेडरॉक टीएनटी लेके आया हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे छुप कर से जाऊंगा, सामने टीएनटी लगाऊंगा और बेडरॉक तोड़ के अंदर घुस जाऊंगा। यार विलेजर पता नहीं क्या कर रहा होगा अंदर, लेकिन मुझे जल्दी करना पड़ेगा इस काम को। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे दौड़ लगाने का ट्राई करते हैं और देखते हैं इससे यहाँ पे कुछ होता है क्या। ओके 3-2-1 गो, भागो भागो। ओ भाई साहब अभी टीएनटी फटने वाला भाई, नो वे से सही में तोड़ दिया यहाँ पे, लेट्स गो भाई। देखो यहाँ पे होल बन चुका है, चलो चलो भाई जल्दी चलो यहाँ पे अंदर। वेट आयरन गोलम, नहीं नहीं नहीं, ओ शिट भाई यहाँ पे आयरन गोलम कर रहा है वो, यहाँ पे ऑटोमेटिक रिपेयर हो चुकी है, कैसे सारे छेद यहाँ पे गायब हो चुके हैं। अबे ओ ये नॉर्मल बेडरॉक की वॉल नहीं है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिपेयर होती है, भाले तो इसे फोड़ क्यों ना दे। अबे यार ये कैसा सिस्टम बैठा रखा इसने यहाँ पे। लेकिन कोई ना गाइस, मेरे पास पर एक और टीएनटी, इसको यूज करता हूँ मैं। तो चलो इसे जलाते, 3-2-1 गो, भागो यहाँ से, इस बार पक्का गाइस, इस बार पक्का टूट जाएगा। ओके वेट भाई टूट गया यहाँ पे, ओके ओके भागो भागो भाई जल्दी भागो। क्या नहीं नहीं नहीं, अबे यार वापस से रिपेयर हो गया ये। अबे यार अब तो मेरे पास बेडरॉक टीएनटी भी नहीं बचे हुए यार, अब क्या करूं। हाँ विलेजर अब से 10 मिनट बचा यहाँ पे ब्लास्ट होने में, हम गोलम तो यहाँ से भाग जाएंगे लेकिन तू और तेरा विलेज पूरा उड़ जाएगा, तुम सब तो समझो गए यहाँ पे। अबे यार गाइस मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मैं इस बेडरॉक वॉल के अंदर जा पाऊंगा, वो विलेजर पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, अब तो मुझे समझ जाना चाहिए कि मैं हार गया पे। वेट अबे रेविन, ओ शिट शिट, अच्छा यहाँ पे पाया था भाई, मैं बच गया यहाँ पे। यार ये तो मुझे कोई रिवीन लग रही है। वेट गाइस वो ऊपर पे क्या है? अरे ये मेरी खास हमारे गांव का गटर है यहाँ पे। अबे हाँ सही में ये देखो। वेट गाइस मैं यहाँ से भी तो जा सकता हूँ विलेज के अंदर। जी भाई पूरी बदबू ही बदबू है यहाँ पे। लेकिन गाइस मेरे पास कोई और चारा नहीं है, यही आखिरी रास्ता है और शायद से यहाँ से जाके मैं विलेजर्स को बचा सकता हूँ। और मेरे ख्याल से टीएनटी यहाँ पे 10 मिनट में फट जाएगा, तो जल्दी चलते हैं यहाँ पे। एक सेकंड ये क्या यहाँ पे, क्या चूहा? अरे भाई साहब कैसे चूहे यहाँ पे आग लगा रहे मुझ पे? अबे चूहे तेरी तो, जाए यहाँ पे भाग यहाँ से। ओ भाई साहब वो देखो कैसे लाइन बना के आ रहे मुझे मारने के लिए। अरे क्या पिद्दी चूहे भाई, क्या नूब चूहे भाई, देखो कैसे नीचे गिर रहे हैं। ठीक भाई दिमाग तो है नहीं इनके अंदर, चलते हैं यहाँ पे जल्दी। चलो चलो भाई जल्दी चलते हैं, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है। अरे नहीं यहाँ पे तो दो रास्ते, में जाऊँ कहाँ पे? एक मेरे ख्याल से डेड एंड है और एक पानी मेरे ख्याल से विलेज से आ रहा है, मेरे ख्याल से ये रास्ता ऊपर वाला, यहाँ चलते हैं। विलेजर मैं आ रहा हूँ तुझे बचाने, तू टेंशन ना ले। ओके वेट ये मैं कहाँ आ चुका हूँ, मैं यहाँ पे कुएं में आ चुका हूँ, लेट्स गो। ये कुआं है गाँव का, लेकिन कोई बात नहीं काम बन जाएगा। और विलेजर भाई सामने देखो, इतने विलेजर ट्रैप करके इन्होंने अंदर। अरे आदि तो आ गया, आप जल्दी हमें बाहर निकाल, सिर्फ 5 मिनट बचा टेंटे फटने में, जल्दी कर। अब रुक जा मैं आ रहा हूं भाई अंदर। कैसे ऊपर में अंदर? ऊपर से माइंड करते हो, आना भाई ऊपर से। ओके ओके वेट वेट ऊपर है ना रास्ता, हाँ जल्दी चलो भाई। ये आयरन गोलम के मुझे देखना, ले जल्दी यहाँ पे आ चुका ऊपर, पक्का किसने मुझे यहाँ पे देखा नहीं। अभी काम करते यहाँ पे तोड़ते। क्या अबे यार यहाँ पे तो बेडरॉक लगा हुआ है, मैं जाऊँ कैसे अंदर? अबे जुगाड़ देखना बेडरॉक को तोड़ने का। वेट जुगाड़, अरे हाँ मेरे पास एक आइडिया है। तो गाइस मेरे पास यहाँ पर एक आखिरी टेंटी बचा बेडरॉक वाला, और हाँ मैं मुर्गा मोबाइल के पास वापस गया था एक टेंटी लेने, तो चलो इसको यहाँ पे यूज करते और विलेजर को बाहर निकालते यहाँ पे। भाई छुपाओ खुद को यहाँ पे, एंड आई थिंक काम करना चाहिए। ओ भाई वेट, अबे विलेजर आ यहाँ पे। अरे बहुत बड़ा, तूने यहाँ पे निकाल दिया मेरे को। अरे आ भाई जल्दी ऊपर चल, और मुझे थोड़ा सामान दे यहाँ पे। अरे ये ले मेरे पास के लिए कुछ आइटम्स भी यहाँ पे, ये तेरी लड़ाई करने में मदद करेंगे। अरे थैंक यू भाई, यहाँ पे डायमंड आर्मर, लेट्स गो भाई। और ये भी ले यहाँ पे ब्रेड, इसे खा लेना। तो चल विलेजर राइड यहाँ पे, मारते भाई इन सबको यहाँ पे। हाँ चल आ जा यहाँ पे। अरे इसको बंद कर दे भाई, पता लगा हम गिर जाए यहाँ पे नीचे। अबे वो तुझे क्या लगता है तू इतनी आसानी से भाग पाएगा यहाँ से? अबे भाई आयरन गोलम के सिनारे यहाँ पे, विलेजर राइड हो जाए यहाँ पे। वेट अब तू क्या कहाँ भाग के जाएगा, तू यहाँ पे अंदर आया कैसे? अबे आदि तू टेंशन ना ले, मेरे पास एक सुपर पावर है, मैं यहाँ पे म्यूटेंट विलेजर स्पॉन कर सकता हूँ और इन आयरन गोलम से फाइट करेंगे। क्या अबे भाई बहुत बड़े यहाँ पे, जा म्यूटेंट विलेजर उनको मार यहाँ पे। मैं उन लोगों को मार दूंगा। जा यहाँ पे भाई, जय महेश्वरी, मार उनको, पेल उन्हें यहाँ पे।
ओ भाई का पेल रहा है, पर बाप रे भाई क्या गंदा मारा उनको, ये तो खतरनाक गोला में वाइब ले जाकर कमाल करते तू यहाँ पे। लेट्स गो भाई, मारो यहाँ पे। ओ बाप रे आयरन गोला तो मारी ऐसी की तैसी। अरे भाई मारे ने, मारे ने भाई, हाँ तोड़ इनको, इनकी तो भैंस आंख। ओ बाप रे का गंदा मारे, लेकिन भाई हमारा गोला देखो भाई पूरा पील दे उसे सबको यहाँ पे। मार 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 सबको मार यहाँ पे। अबे अबे बे इसके ऐसे की तैसे आयरन गोला तेरे को तो मार दूंगा मैं। नहीं हमारा वो मर गया म्यूटेंट गोलम। अबे अबे भागो यहाँ से। वेट वेट भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, भाई हमारा म्यूटेंट गोलम कैसे मर गया यहाँ पे। अबे जल्दी आ भाई विलेजर, भाई मरना चाहता क्या तू यहाँ पे। अरे आधे रुक रुक, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया तेरे पास यहाँ पे? इस आयरन गोलम को ट्रैप कर सकते केज ब्लॉक में, ये ले इसे यूज कर। ओ भाई केज ट्रैप, लेट्स गो भाई से यूज करते यहाँ पे। आने दो आयरन गोलम के यहाँ पे भाई, वो तो गया। अब भाई आयरन गोलम आ रहा है यहाँ पे, ट्रैप रखो यहाँ पे। ओके वेट ये ट्रैप हो चुका है यहाँ पे, लेट्स गो भाई आयरन गोलम ट्रैप हो चुका है। अबे ये तूने क्या कर दिया मेरे साथ यहाँ पे, मेरा ट्रैप कैसे हो गया भाई? आयरन गोलम अब तो गया यहाँ पे भाई, एक मिनट में यहाँ पे टेंट फटने वाला है और उसके साथ तो ये भी यहाँ पे फट जाएगा। चल चल विलेजर जल्दी भागते हैं यहाँ से भाई, टेंट फटने वाला है एक मिनट में। अरे हाँ भाई जल्दी भाग यहाँ से। चल भाई जल्दी भाग यहाँ पे, जल्दी भाग। ओके मेरे ख्याल से गेट यहीं पे था विलेज का, ये रहा यहाँ पे। वेट अबे भाई तो ट्रैप और यहाँ पे, ये तो बंद है यहाँ पे, हम जाएंगे कैसे अंदर? अबे तुझे पता नहीं क्या, विलेजर के पास एक और शक्ति है। क्या कौन सी शक्ति तेरे पास यहाँ पे? ये देख यहाँ पे खुल जा सिम सिम। क्या क्या करा तूने यहाँ पे? वेट अबे मैं तूने खोल दिया पे, बहुत बढ़िया भाई, लेट्स गो भाई हम भाग भाग गए। ओ शिट वो दरवाजा बंद भी हो गया यहाँ पे भाई, बस जल्दी भाग से दूर, ये पूरी जगह फटने वाली है यहाँ पे। ओ भाई साहब वहाँ दिख रहा क्या, ब्लास्ट हो रहे अंदर, धमाके हो रहे यहाँ पे बेडरॉक के वॉल में, वो देख। मेरे को लगता है कि अंदर कोई बचा होगा भाई, पूरी जगह अंदर यहाँ पे तबाह हो चुकी होगी। लेकिन लेट्स गो भाई देख, मैंने तेरे को बचा दिया, यहाँ पे मिशन कम्प्लीट हो गया। अब चल भाई भागते हैं जल्दी घर में, चलते वापस। अरे हाँ तूने सही कहा, चल चल चल। और गाइस अगर तुमको भी अच्छा लगे यहाँ पे तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, हमारा टारगेट है 13 लाख सब्सक्राइबर हिट करना। और इस वीडियो के बाद तुम इस वाली वीडियो को देख लो जो स्क्रीन में आ रही है, बहुत ही मस्त वीडियो है ये, तो जल्दी से क्लिक करो और देख लो। एंड चलो मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली बार, टिल देन टेक केयर एंड टाटा।